Wait. Sir, वहाँ कर लीजिए ना, please sir, please sir, thank you. 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 So none other than जो सबको पसंद आई थी बिग बॉस में जिनका इनोसेंट फेस हर किसी ने पसंद किया था एंड दैट इज द फेमस पर्सनालिटी ऑल ओवर द सपना चौधरी विद देम आई एम गोना अनाउंस फॉर जुबेर के खान एंड अंजू जाधव ओके अंजू विल बी देयर इन अ मिनट विद अस बट वी कैन गो ऑन विद द अदर स्टेज So let's welcome them with a great round of applause here. Everyone, please thank you so much. With them, Vijay Singh, Anand Sharma, and Mr. Shaumik. सबसे पहले apologies for keeping you all waiting. We are really really sorry. And without wasting any more time, let's just directly get into the question now, please. Thank you so much. इधर गोविंद इधर ला हेलो आदि बैठने के लिए पूछ रहा काफी वक्त से यहाँ उन सब मीडिया के दोस्त यहाँ मौजूद हैं बहुत लेट आपकी तरफ से हो गया उस बात के लिए एतराज नहीं है और जब आप किसी कोई आपके घर आता है तो उसे पानी तो सर्व करा ही जाता है वो भी हमें करा नहीं गया जिसका बहुत गोबर खेत अरे प्रिया बैठो नीचे सेंटर ऑटो की है क्या दादा मोबाइल वाले एक मिनट आप रुक जाओगे हम आपके लिए करवा देते हैं सेंटर में बताओ रतन तू आगे जाके जगह लेना क्या रतन चाइल्ड आर्टिस्ट फ्रॉम द कास्ट प्लीज कम इन फ्रंट ऑफ द स्टेज जो हमारी चाइल्ड आर्टिस्ट है हमारे कास्ट के लिए उन्होंने प्लीज स्टेज के सामने आ जाएं एक्सक्यूज मी वेरी क्लोज और एक्सक्यूज मी इधर देखो यार विक्रम सर यहां पे देखिए विक्रम जी सामने देखो विक्रम जी लुक हियर एवरीवन लुक हियर राइट टू लेफ्ट कपिला जी इधर हरी सर लुक हियर सेंटर विक्रांत सर गिव अस सेंटर सर सामने देखो भाई साहब एक्सक्यूज मी अंजुमन सेंटर ओहो माय गॉड वंस अगेन मैं हमारे चाइल्ड आर्टिस्ट इनको स्टेज के सामने बुलाना चाहूंगी सुबह आइए जा वो पे कमांड सामने आ जाओ इधर लेना था यार पीछे वाला परेशान कर रहा है पीछे ना अरे आपका हम लोग पीछे जाएंगे क्योंकि मैं थोड़ा पीछे जा थोड़ा शीशा हो गया कहां देखो बचा सेंटर ओके यो सपना जी सेंटर एक लाख
सपना जी सेंटर सेंटर मैडम जी सपना जी लोग सेंटर सेंटर में लुक फ्रॉम राइट साइड अदर लगा लेना लेफ्ट राइट का हां यो यो सेंटर प्लीज लेफ्ट टू राइट इनके साथ आप नीचे हां चलिए सेंटर में देखिए सर देखिए सर आ जाओ ना अरे हां अभी बनाओ यस कम जॉइन क्लोज उनको भी ले लो फोटो का साइड इफेक्ट ये अच्छा है पिक्चर का नाम है दोस्ती के साइड इफेक्ट जो कि चार दोस्तों की कहानी है कि वो बहुत गहरे दोस्त होते हैं लेकिन दोस्ती के बीच में काफ़ी चीज़ें हैं जो टिपिकल होती हैं काफ़ी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं हो पाती है काफ़ी चीज़ें हैं जो कोई भूल जाता है दोस्त और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कोई दोस्त नहीं भूल पाता है तो दोस्तों की लाइफ स्टोरी आपका कोई खास दोस्त आपके करीब मेरे दोस्त हाँ मेरे एक दोस्त हैं जो मेरे बहुत करीब हैं और हमेशा रहेंगे मेरी माँ सपना जी आप काफ़ी समय से आप डांसिंग कर रही हैं बिग बॉस में गई मतलब नाम तो आपको काफ़ी पहले से ही है तो फिल्म में आना इतना देर क्यों हुआ क्या ऐसी वजह रही कि फिल्म आप फिल्म में आने के लिए खुद को हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है मेंटली भी फिजिकली भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक एक्ट्रेस को बहुत मेहनत करनी पड़ती है जो कि मैंने देखा महसूस किया तो वो मेहनत कर रही थी तो बिग बॉस में आने से कुछ आसान हुआ काम एक्टिंग ऑफर्स मिलना नहीं ऐसा नहीं है एक्टिंग बहुत अलग दुनिया है और बिग बॉस बहुत अलग दुनिया है डांसिंग बहुत अलग दुनिया है तो और हर दुनिया में अलग अलग चीज़ें हैं किसी में सक्सेस मिलती है किसी में नहीं मिलती है लेकिन जहाँ मिले वहाँ भी खुश रहो जहाँ नहीं मिले वहाँ भी एक्टिंग को लेकर बॉलीवुड को लेकर क्या थॉट्स है अभी भी आपको आई थिंक अच्छा करूँगी बहुत अच्छा करूँगी और ऐसे फ्यूचर प्लान है आगे चल के और किस तरह के रोल आप करना चाहती हैं जो आपके ना हो हाँ मुझे बैंक का रोल करना है ओके आपने नेटफ्लिक्स की मतलब सीक्रेट गेम्स और ये सब और डांसिंग भी कमाल करते हैं तो क्या लगता है कि मतलब जो इतनी एक्ट्रेस हैं बड़ी एक्ट्रेस हैं उनको भी डांसिंग करने में एक हेजिटेशन होता है मतलब डांसिंग करना इतना आसान नहीं होता है हाँ, तो वो एक प्लस पॉइंट है आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि प्लस पॉइंट है क्योंकि बस ये होगा कि मुझे उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हाँ लेकिन हो सकता है प्लस पॉइंट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैं पब्लिक से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर मैं देखूंगी अब की बार तो मैं बहुत एक्साइटेड काफ़ी अलग होने वाला हाँ बहुत अलग थी मैं अब की बार का और मेरे ख्याल से आधी ऑडियंस ही बिकॉज ऑफ सलमान उसे देखती है तो मैं भी बिकॉज ऑफ सलमान ही देखूंगी और लास्टली ये पूछना चाहूँगा कि अगर बॉलीवुड में आपको मिलते रहे ऑफर्स तो मतलब जो डांसिंग करियर है आपका मतलब जो हरियाणा का वो जुड़ा वहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे या फिर नहीं नहीं वहाँ कैसे छोड़ सकती हूँ सर मैं अपनी मातृभूमि कभी नहीं छूटेगी और जिस नॉर्थ इंडिया ने मुझे इतना प्यार दिया है वो तो मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी मेरे ख्याल से जब मेरी मौत हो जाएगी और मेरी अर्थी को निकाला जाएगा तो मेरी इच्छा ही ये है कि पूरा नॉर्थ इंडिया घुमाया जाए पहले उसे मतलब आप इंफॉर्मेशन निकाल के ले आए
आई थिंक कि मैं अच्छा करूँगी, बस मैं यही कह सकती हूँ। हाँ, थोड़ी प्लस पॉइंट्स मेरे लिए हो जाएंगे कि शायद कैरेक्टर ऐसा हो जो मैं अपनी ज़िंदगी में फॉलो करती हूँ, तो थोड़े बहुत हैं जो मेरे लिए प्लस पॉइंट है, और थोड़े बहुत ये भी हैं जो मेरे लिए माइनस पॉइंट है। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट तो अपने आप को फिजिकली मेंटेन करना बहुत बहुत माइनस पॉइंट है सर, मतलब पूछो मत आप। बिपाशा बासु ने कॉर्पोरेट में रोल किया था, यहाँ पे बिजनेस वुमन बनी थी, और कंपैरिजन भी होगा। हाँ, क्या इस बात के लिए तैयार है कि उनकी पे टॉप कंपैरिजन होता था? हाँ, आई थिंक मेरा मानना ये है कि बिपाशा बासु ही रह सकती हैं, और सपना ही रह सकती है, तो किसी को किसी से कंपेयर करना फालतू की बात है। फालतू की नोट पे बात खत्म। विजुअल 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 पकड़े रखना है। ले 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 बस क्या नाम है।